हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का जो लगातार हमारे वीडियोस को देख रहे हैं, इतना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, इतना ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पांस दे रहे हैं। आप हमारा यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं जिसका नाम है परी टॉक्स टू देश की जनता, जिसमें आप सारे ही वीडियोस देख सकते हैं। कभी कभी दिन में दो वीडियोस डलते हैं, कभी कभी तीन वीडियोस भी डलते हैं। मैं चाहूँगी कि आप सारे वीडियोस को देखें और लगातार हम लोगों को पॉजिटिव कमेंट्स देते रहे और मोटिवेटिंग कमेंट्स देते रहे, जिससे हमें अब तक एक विश्लेषणपूर्ण जानकारी पहुंचाने में मदद मिले। हम लोग नहीं चाहते कि आपका समय और एनर्जी किसी तरह का म्यूजिक बजा के वेस्ट की जाए, इसलिए हम अपने विश्लेषणपूर्ण एक जो पर्दे के पीछे की बात है, एक जो रियल पिक्चर है, वो हम आपको कम शब्दों में, आसान शब्दों में, एक संक्षेप में बताते हैं आपके काम की बात। तो चलिए शुरू करते हैं। देश में मेट्रो तो खुल गई है, लेकिन संक्रमण जो है बढ़ता ही जा रहा है, संक्रमण जो है हद से ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। ऐसा बताया जा रहा था कि अगस्त जो है चरम देखा गया था, लेकिन अगस्त के बाद अभी सितंबर आ गया है और फिर भी देश में जो है कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अभी तक हम देखेंगे तो कोरोना के मामले हमारे यहाँ पर 43 लाख का आंकड़ा पार करने को है और डेथ्स जो है अभी तक की 73,000 डेथ्स हो गई है, जो कि बहुत ही भयावह पिक्चर है। हमने ब्राजील को पीछे छोड़ दिया, अमेरिका के बाद हम अब दूसरे नंबर पर हैं कोरोना के मामलों में। हम हालांकि अमेरिका में काफ़ी राहत हुई है संक्रमण में और अभी लोग इतने ज़्यादा संक्रमित नहीं हो रहे जितना पिछले दिनों हुआ करते थे, लेकिन हमारे देश के हालात जो है बद से बदतर हुए जा रहे हैं। सरकार को इसकी चिंता नहीं है, मेट्रो खोल दी, लोग तो बहुत खुश हैं कि बजाय मोटरसाइकिल के बजाय इतना ज़्यादा पैसा खर्चा किए हुए ऑटो रिक्शा से और टैक्सी से वो लोग जाया करते थे और अब जो है मेट्रोज की वजह से वो कम से कम 30 से 35 रुपये में अपने डेस्टिनेशन पर पहुँच सकते हैं। ये बहुत बढ़िया खुशी की बात है, लेकिन कोरोना जो है हमारा पीछा नहीं छोड़ रहा है और कोरोना की वैक्सीन का अता पता नहीं है। क्या वैक्सीन इस साल तक आएगी, क्या वैक्सीन 2021 तक आएगी, 2021 तक वैक्सीन ऐसा बताया जा रहा है बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ और रिसर्च सेंटर्स द्वारा कि 2021 के एंड तक हम जो है कोरोना वैक्सीन का जो है मास प्रोडक्शन करके हम लोगों तक पहुंचा सकते हैं, मगर अभी वैक्सीन की खबर सामने नहीं आ रही है। और 8 बिलियन लोगों को पूरी दुनिया में वैक्सीन पहुँचाना इज़ नॉट अ जोक। अगर पूरी दुनिया में 8 मिलियन लोग हैं, हम लोग पूरी पॉपुलेशन हमारी पूरी दुनिया की, और इतने सारे लोगों को कोरोना का वैक्सीनेशन पहुंचाना आसान काम नहीं है, बहुत टफ जॉब है, ऐसा रिसर्चर्स का मानना है। स्पुतनिक 5 का जो है कोरोना वैक्सीन का जो है ट्रायल चल रहा है और बताया जा रहा है स्पुतनिक 5 जो है वो हमारे अंदर जहाँ हमारी शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी सिस्टम को जो है बहुत स्ट्रांग बना रही है, जिसको जान के साइंटिस्ट का इंटरेस्ट जो है स्पुतनिक 5 की तरफ बढ़ता जा रहा है और साइंटिस्ट कोशिश कर रहे हैं कि वो भी इस तरह के एलिमेंट्स का इस्तेमाल करके कोरोना वैक्सीन बना सकें। और जहाँ तक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का सवाल है, हमारे देश में भी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटीज़ के काफ़ी ट्रायल हुए हैं, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटीज़ और स्पुतनिक 5, मैं रशिया की बात करूँ, स्पुतनिक 5 रशिया का वैक्सीन है। रूस के प्रधानमंत्री व्लादिमीर पुतिन के अनाउंसमेंट में ये बताया गया है कि रोग प्रतिरोधक क्षमता से बढ़ने की जो स्पुतनिक 5 की कैपेसिटी है वो दूसरी वैक्सीन से कहीं ज़्यादा बेहतर साबित हो रही है। और ट्रायल में 76 लोगों पर जब किया गया तो बताया गया कि ये जो कोरोना से लड़ने की क्षमता है, हमारा इम्यूनिटी सिस्टम है, उसको स्ट्रांग बनाता है, लेकिन किस हद तक, कितने लेवल पर कारगर है ये अभी बता पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन फिर भी स्पुतनिक 5 की काफ़ी तारीफ हो रही है। उसके बाद में सऊदी अरब में भी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और स्पुतनिक 5 जाके अपना ट्रायल करने वाले हैं और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की जो प्रभावी वैक्सीन है वो बहुत जल्दी उसकी खबर सामने आएगी, बहुत खुशखबरी सामने आने वाली है कि वो वैक्सीन कब रिलीज़ होगी। लेकिन हमारे देश में अभी कुछ पता नहीं है कि किस तरह की रिसर्च हो रही है और किस तरह की वैक्सीन हमारे देश में, भारत देश में बनाई जाएगी, इसका अभी कुछ भी अता पता नहीं है, इसके बारे में अभी कुछ भी खैर खबर नहीं है। हालाँकि मैं आपको बताती रहूँगी कि क्या अपडेट्स है कोरोना के बारे में, लेकिन आप ये समझ लीजिए कि कोरोना सिर्फ उन्हीं लोगों को नहीं है जिनका कोरोना टेस्ट पॉजिटिव है, जिनको कोरोना टेस्ट नेगेटिव है उनको भी कोरोना होता है। और एक्सपर्ट्स की माने तो कोरोना जो है चेस्ट में आके बैठ जाता है, कोरोना आपके इंटेस्टाइन में आके बैठ जाएगा, जो आपको आगे आने वाले दिनों में बहुत घातक परिणाम दे सकता है। इसलिए बचे रहिए, घर में रहिए, एक की जगह 2 मास्क लगा के रखिए, अपनी नाक को अपने मुंह को ढककर रखिए जितना ज़्यादा हो सके, जो आपको बहुत ज़रूरी है कोरोना से बचने के लिए, या आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है अगर आप कोरोना से बचना चाहते हैं, अपने मुंह और नाक को ढक के रखिए। हमारे महाराष्ट्र में पुणे जो है वो कोरोना का 0 ग्राउंड बन गया है और कोरोना में सबसे ज़्यादा पिछले कुछ हफ्तों में सबसे ज़्यादा आंकड़े जो है वो कोरोना के वो पुणे से आए हैं, तो पुणे इसलिए हमारे यहाँ पर
मुंबई के बाद जो है सबसे ज़्यादा बड़ा कोरोना का इन्फेक्टेड एरिया समझ में आ रहा है, संक्रमित एरिया समझ में आ रहा है। चलिए उसके बाद में मैं आपको बताती हूँ कंगना रनौत वाला केस की। कंगना रनौत वाले केस में जो वाई प्लस सिक्योरिटी उन्हें दी गई है वो करीब करीब उसका मंथली खर्चा जो है 10 से 11 लाख रुपए होता है वाई प्लस सिक्योरिटी का, जिसमें एक पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड और 11 कमांडोज होते हैं। कैन यू इमेजिन किसी नेता को अगर इस तरह से कहा जाए, नेता अगर इस तरह से कहा जाए तो अगर सिक्योरिटी मांगे तो उसको पता नहीं कितने महीने लग जाते हैं। और एक केंद्र सरकार ने सेल्फ कॉग्निजेंस लेकर कंगना को इस तरह की सिक्योरिटी दे दी, गृह मंत्रालय ने इस तरह की सिक्योरिटी दे दी और कंगना ने गृह मंत्रालय का बड़े ही वीर रस वाले भाषण, उसी मोदी सरकार के और बीजेपी के स्टाइल में एक वीर रस से भरा हुआ भाषण जो है वो कंगना ने दिया हुआ है। इसके पीछे की राजनीति आज मैं आपको बताऊंगी कि इसके पीछे की आखिर राजनीति क्या है। कंगना ने बड़ा ही वीर रस से ओतप्रोत भाषण दिया है, उन्होंने बताया है कि किस तरह से एक देश की बेटी के स्वाभिमान के उसके घमंड की रक्षा जो है वो अमित शाह जी ने की है। वैसे बताया तो ये भी जाता है कि कंगना के इतने करीबी रिश्ते हैं गृह मंत्रालय से, तो कंगना क्यों नहीं गृह मंत्रालय में जाके बोल देती है कि वो मूवी माफिया को एक फ़ोन लगा दे और मूवी माफिया से ये कह दे कि नेपोटिज्म बंद कर दे और नेपोटिज्म की जगह बजाय सारी फिल्में उनको मिलने लगे और उनका स्ट्रगल ख़त्म हो। हालांकि वो अपने आप को सेल्फ मेड बताती है और वो बताती हैं कि वो जो है अपने आप में सक्सेस की पराकाष्ठा है, सक्सेस की हाई लेवल की सक्सेस उनकी है। अगर वो हाई लेवल की सक्सेस है और वो इतनी बड़ी शेरनी है तो उनको मेरे ख्याल से किसी तरह की वाई प्लस सिक्योरिटी देकर हमारे देश का पैसा, हमारी जनता का पैसा, हमारी पुअर जनता, अभी मैं कहूँगी पुअर पुअर जनता का पैसा इस तरह से किसी को भी, किसी भी नए बंदर को देकर हमारी देश की जनता का पैसा बर्बाद ना किया जाए। क्योंकि ये एक सरकार के इशारों पे नाचने वाले या सरकार के लिए कठपुतली बने हुए बंदर है ये लोग, और ये बंदर जो है कभी भी नाचने लगते हैं। इसके पहले कपिल मिश्रा नाच रहा था, जब वो आप पार्टी छोड़कर आया तो बहुत बोल रहा था, उसके बाद में दिल्ली के जो दंगे हुए उसके बाद उसको जेड प्लस सिक्योरिटी दे दी गई कपिल मिश्रा को, और सॉरी वाई प्लस सिक्योरिटी दे दी गई, पहले वाई सिक्योरिटी दी उसके बाद में वाई प्लस सिक्योरिटी दे दी गई। उसके बाद अर्नब गोस्वामी जो अपनी इमेजिनरी स्टोरीज बनाता रहता है पूरा टाइम, वो पता नहीं कौन से हाइपोथेटिकल में, और जिसको बात करने की तमीज़ भी नहीं है किसी पार्टी अध्यक्ष से, एक बहुत देश की राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष को कहता है ये एंटोनियो माइनो, ये ऐसी ये वैसी, इस तरह से सोनिया गांधी जी से वो कह रहा है, और उसको भी वाई प्लस सिक्योरिटी दे दी गई उसकी बदतमीजी के लिए, उसको वाई प्लस सिक्योरिटी दे दी गई। और अब जब कपिल मिश्रा ने हिंदू मुसलमान कर दिया, अर्नब गोस्वामी ने एक इतनी लीडरशिप वाली लेडी जो शी इज इन द लीडरशिप ऑफ कांग्रेस पार्टी, इस तरह की जो राष्ट्रीय लेवल की नेशनल लेवल की एक लीडर को एंटोनियो माइनो और बदतमीजी से बात करने के बाद में, उसको मर्डरर कहने के बाद में उसको वाई प्लस सिक्योरिटी दे दी। और अब जब कंगना रनौत ने पूरी मुंबई की बेइज्जती कर दी और अकॉर्डिंग टू संजय राउत की मुंबा देवी की बेइज्जती कर दी, मुंबई वासियों का अपमान कर दिया, जहाँ का खाया वहीं पर जाकर थूक दिया, इस तरह से कंगना पर जो है आरोप प्रत्यारोप किए जा रहे हैं सोशल मीडिया में, और कंगना के बारे में बुराई की जा रही है, कंगना को बताया जा रहा है कि उसे एहसान फरामोश नहीं होना चाहिए और उसे मुंबई में रहने का, मुंबई में आके जो जिस तरह से उसे शोहरत मिली, दौलत मिली, उसका एहसान उसे रखना चाहिए था और उसको इस तरह से बदतमीजी जो है नहीं करनी चाहिए थी। संजय राउत जी ने बताया कि कंगना को जो है अपने दिमाग का इलाज कराना चाहिए, क्योंकि कंगना जो है मेंटली सिक है और इस तरह के सिक लोगों का अपने दिमाग का इलाज कराना बहुत ज़रूरी है, और अगर कंगना नहीं कराना चाहती तो महाराष्ट्र सरकार जो है उसका इलाज कराने के लिए तैयार है। तो इस तरह से ये दो पार्टियां जो है बीजेपी और शिवसेना, अगर आज CM बीजेपी के होते हैं जैसे पहले देवेंद्र फडणवीस थे और दोनों पार्टी मिलकर सरकार बना रही होती तो ना तो सुशांत सिंह का केस इतना उछलता, ना ही कंगना रनौत इस तरह से राजनीति कर रही होती आज की डेट में। लेकिन क्योंकि अब सरकार जो है सिर्फ और सिर्फ शिवसेना की है, बीजेपी का कोई लेना देना नहीं है, बीजेपी को जो एक पूरी जो गठजोड़ से आउट कर दिया गया है, बाहर कर दिया गया है उद्धव सरकार द्वारा, तो बार बार सुशांत सिंह का केस हो,
या समझ लीजिए आपके सुशांत सिंह उस समय मरे होते जब बीजेपी की सरकार होती या बीजेपी शिवसेना की मिक्स सरकार होती मुंबई में, तो ये शिवसेना का जो सुशांत सिंह का केस है वो कभी भी सुशांत सिंह का केस जो है इतना जो है दमखम नहीं पकड़ता, और सुशांत सिंह का केस जो है इस तरह से इतना पॉपुलराइज करके इसको इतना हाइप्ड नहीं किया जाता, इतना उसको घर घर तक नहीं पहुंचाया जाता, इस तरह से पोस्टर्स नहीं लगे होते और इस तरह से जो है पूरी ये यूफोरिया एक तरह से जो क्रिएट कर दिया सुशांत सिंह के लिए कि ना भूलेंगे ना भूलने देंगे, तो इस तरह के पोस्टर्स जो बीजेपी सरकार लगा रही है महाराष्ट्र में, बिहार में, जगह जगह पे, तो ये एक अपनी अलग तरीके की राजनीति, क्योंकि बिहार में इलेक्शंस आ रहे हैं और ऐसा बताया जा रहा है कि वो बिहार में रहे भी नहीं है, और वो खगड़िया करके एक जगह में सिर्फ मुंडन कराने के लिए गए थे, और बिहार की जो नेता है, बिहार की जो राजनीति है, उनको एक राजनीति करने के लिए एक सब्जेक्ट मिल गया और उन्होंने राजनीति करने के लिए सुशांत का केस जो है उसको एक अपना हथियार मान लिया, और इस तरह से राजनीति जो है शिवसेना की जो है बेइज्जती करना है, शिवसेना को एक्चुअली नीचा दिखाने की राजनीति, और शिवसेना को एक्चुअली शिवसेना की हम कह सकते हैं एक मैनेजमेंट को लेकर एक चैलेंज जो है कंगना रनौत ने दिया है कि मुंबई पुलिस जो है मूवी माफिया से भी ज़्यादा उनको खतरनाक लगती है, तो आप समझ जाइए कि ये उद्धव सरकार पर एक सीधा सीधा निशाना जो है कंगना रनौत ने लगाया है, और सीधा निशाना ये हमेशा लगाती रहती है, कभी अपने कलीग्स के बारे में उल्टा सीधा बोलती है कुछ एक्ट्रेसेस के बारे में कि इसको कुछ नहीं आता, इस एक्ट्रेस को ये अवार्ड मिलने के लिए थप्पड़ मार देना चाहिए था, इस एक्ट्रेस को ये अवार्ड मिलने के लिए ये शर्म आनी चाहिए थी, इस एक्ट्रेस को ये नहीं आता, उसको वो नहीं आता, उसके तो डैड की वजह से वो एक्ट्रेस बनी है, उसके तो भाई की वजह से वो एक्टर बना है, वो फलाना इस वजह से एक्ट्रेस बनी है, ठीक है, लेकिन अपनी जो सक्सेस है उसको गलत डायरेक्शन में कहीं ना कहीं कंगना रनौत ले गई, या सक्सेस जो है उनके दिमाग में कहीं घुस गई है जो उनको समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या कर रही हैं, और एक तरह से उन्होंने कभी भी उन्होंने ये नहीं मुद्दे उठाए कि यूपी में योगी सरकार के समय में क्यों इतने ज़्यादा रेप हो रहे हैं, या बिहार में क्यों इतनी बेरोज़गारी है, क्योंकि यूपी में और बिहार में बीजेपी की सरकार है, लेकिन उन्होंने ये मुद्दे कभी नहीं उठाए कि इतनी ज़्यादा रेप और इतने ज़्यादा फीमेल्स को लेकर अत्याचार यूपी में क्यों हो रहे हैं, जबकि वो अपने आप को कहती है कि वो महिलाओं के लिए लड़ती है या महिलाओं के लिए आवाज़ उठाती है, तो ये कैसी आवाज़ है जो उन्होंने रिया चक्रवर्ती के खिलाफ उठाई है, जो उन्होंने मूवी माफिया के खिलाफ उठाई है, मगर अभी यूपी में जो लगातार हम देख रहे हैं एक हफ्तों से रेप हो रहे हैं वो कोई आवाज़ नहीं उठा रहा है, ना बीजेपी के नेता उठा रहे हैं, ना कंगना रनौत उठा रही है, तो ये सीधी सीधी एक राजनीति नज़र आ रही है महाराष्ट्र सरकार और बीजेपी सरकार के बीच में, केंद्र की सरकार के बीच में, जहाँ से वाई प्लस सिक्योरिटी के पैसे खर्चे हो रहे हैं, सरकार कहती है पैसे नहीं है पैसे नहीं है पैसे नहीं है, ऐसे नमूने जो आ जाते हैं जैसे बंदर नाच करने जो आ जाते हैं आए दिन लोग, कभी अर्नब गोस्वामी आ जाता है, कभी कपिल मिश्रा आ जाता है, और अब कंगना रनौत आ गई है जो पता नहीं कौन सी किस तरह की फिल्में करती है, एक जैसी एक्टिंग करती रहती है पूरी फिल्मों में, फ्रस्ट्रेटेड लेडी की एक्टिंग करती रहती है, और एक ड्रगिस्ट की एक्टिंग करती रहती है, और अब वो ड्रग उसी ड्रग के नशे में जो है मुंबई पे आवाज़ उठा रही है, मुंबई को गालियाँ दे रही है, और जबकि ऐसा कहा जाता है कि मुंबई बहुत लकी जगह है, हर किसी के सपनों को पूरा करता है, और एक तरफ तो कंगना रनौत जो सरकार के साथ में मिलजुल कर सरकार के साइड से निशाने साध रही है, एक तरफ दूसरी तरफ बिचारी रिया चक्रवर्ती है जो अब ड्रग पैडलर बन गई है, बड़ी बड़ी एजेंसियों की जांच के चलते अब उसको ड्रग पैडलर साबित कर दिया गया है, उसके घर पे उसके उसकी प्राइवेट स्पेस में प्राइवेट लाइफ में मीडिया घुस गया है, उसके डिलीवरी बॉय से पूछा जाता है बताओ मैडम क्या कर रही है मैडम क्या कर रही है, तो इस तरह से इन लोगों की जो राजनीति है गंदी राजनीति है वो कभी लिंचिंग का शिकार लिंचिंग के रूप में तब्दील हो जाती है, कभी तो लिंचिंग हो जाती है, कभी तो रेप हो जाते हैं, कभी तो धर्म के नाम पर वोट खरीद लिए जाते हैं, विधायक खरीद लिए जाते हैं, तो इस तरह की राजनीति जो है हमारे देश में चल रही है जो सबको नज़र आ रहा है, और कंगना रनौत का केस तो बड़ा अजीब सा केस है जिसमें
उसने उसी जगह को अपने आप को क्वीन कह रही है, मगर उसी जगह पर उसने निशाना साधा है, उसी जगह को उसने पीओके कह दिया जहाँ पर वो क्वीन खुद रहती है। तो कोई भी क्वीन जहाँ पर खुद रहती है, उस जगह को, उस स्टेट को, उस राज्य को, या उस देश को, या उस पर्टिकुलर शहर को, चाहे मुंबई हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे हिमाचल हो, नहीं कहेगी कि ये पीओके है या दुश्मन की जगह है या दुश्मन का डर लग रहा है मुझे अपनी रियासत में। तो अगर कोई भी क्वीन होगा तो ऐसा नहीं कहेगा, ये अपने आप को क्वीन बताती है, मगर ऐसे 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 बयान करती है कि सच में सुनकर हंसी आती है कि ऐसी कैसी कोई क्वीन हो सकती है कि कोई क्वीन जो है अपनी ही रियासत को, अपनी ही जगह को जो है पीओके कहने लगती है। और एक मतलब सत्ता के लोगों की एक जीती जागती जो है ज़िंदगी तबाह करने की और ज़िंदगी बनाने की एक हम उसको मुहिम कह सकते हैं, सत्ता के लोग ज़िंदगी बना भी सकते हैं जैसे कंगना रनौत की ज़िंदगी बना रहे हैं, और ज़िंदगी बिगाड़ भी सकते हैं जैसे रिया चक्रवर्ती और उसके भाई शोविक की ज़िंदगी बिगाड़ रहे हैं। हालांकि मैटर में कितनी सच्चाई है, शायद वो लोग सुशांत सिंह के लिए ड्रग लाते थे, ड्रग मंगवाते थे, पता नहीं क्या करते थे, लेकिन फिर भी सत्ता में बैठे हुए लोग जो है इस तरह से खेल खेल जाते हैं। और ये कंगना रनौत जैसे कई मोहरे आ गया मोहरे आगे आएंगे, ऐसे मोहरे आते रहते हैं जाते रहते हैं, तो ज़्यादा माइंड करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आप लोगों से बार बार कह रही हूँ कि ज़्यादा टीवी ना देखें, टीवी देखना कम कर दें, और मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल्स को सब्सक्राइब करें। आप फेसबुक पर भी जुड़िए, और आप इंस्टाग्राम पर भी हमारे वीडियोज़ को लगातार देख सकते हैं जिसमें हम बताते हैं आपको आपकी काम की खबरें।